प्रिय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, हम थोड़ा सा, हमारा एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन है जिसमें हमने लगाया हुआ है ये मिर्ची का पौधा है। ये गर्मी की वजह से ज़्यादा फल तो नहीं आ रहे हैं भैया, लेकिन फ्रूट ज़रूर आ रहे हैं। फिर भी बहुत कमज़ोर है पौधे जो हमने लगाया, बहुत ही वीक था। पता नहीं इसलिए क्योंकि फ्रूटिंग इसका बहुत ही वीक होता है। किसी किसी पौधे में अच्छा है, लेकिन बहुत ही बारीक है। ये देखिए, मिर्ची तो आया हुआ लेकिन बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि इसका पौधा जो हमने लाया था बरहज मार्केट से, जो बहुत ही दुबला पतला था, इसलिए लगता है इसका फ्रूटिंग बहुत ही कमज़ोर है, वीक है। और दूसरा हमारा एक भिंडी का पौधा है। भिंडी जो है, अब इसको हम लोग कलम किया है। कलम करने के बाद देखिए, ये पौधा कलम नहीं हुआ था, ये विदाउट कलम का है, लेकिन ये पौधे कलम किए हैं जिसमें फ्रूट आया हुआ, अच्छा फल आया है। और ये देखिए, दूसरा भिंडी का पौधा, ये भी कलम के बाद आया है। हमने पेड़ को, बड़े पेड़ को काट दिया था कटिंग करने के बाद। और दूसरा मेरा, उसने फ्लावर लगाया हुआ है। फ्लावर इधर बगल में हमने एक गुलाब का फूल लगाया था, लेकिन लगता है हमारे बगल वाले ने इसको उखाड़ दिया, क्योंकि वो कंटिन्यू फ्लावर्स आ रहे थे गुलाब के फूल में। बहुत हमें कष्ट हुआ, इतना अच्छा जब से लगाया, लगभग 150 रुपये लगा के 3 पौधे लाए थे। 3 पौधे में हमारा एक फ्लावर था तितली, जो छोटा ज़मीन में होने के कारण वो तो खलास हो गया। और दूसरा गुलाब का है, एक दूसरा रेड फ्लावर, इसका कुछ मालूम नहीं। और तीसरा गुलाब का पौधा जो उखाड़ दिया बगल वाले ने, उखाड़ दिया। पहले तो फ्लावर को तोड़ देता था, लेकिन आज उसने फ्लावर को कुछ दिन पहले उखाड़ दिया, उखाड़ के फेंक दिया। उसका डाल भी नहीं मिला मेरे को। और चलेगा, कोई बात नहीं, फिर लेके लगाऊंगा, कभी न कभी लगाऊंगा गुलाब के फूल को, क्योंकि ये जो पौधशाले हैं, ये हमारे पौधे जो हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अधूरा का नामुमकिन है, क्योंकि जब पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे तो पौधे यूज करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और तीसरा मिर्ची का एक हो गया, फर्स्ट भिंडी का हो गया, तीसरा फ्लावर्स का हो गया। ये घेवड़ा क्या बोलते हैं, ये हमारे भाषा में तो घेवड़ा बोलते हैं, या इसको, इसका नाम दूसरा था, नेनुआ बोलते हैं शायद। ये नेनुआ का पौधा है, देखिए कैसा फ्रूटिंग आया है, मस्त बेहतरीन फल आ रहे हैं इसमें। ये लगभग बारिश के पहले का था, ये लगभग 6 महीने पौधे को हो गया। धीरे 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 विकसित होते गया। पानी हम लोग चला रहे हैं, लेकिन गर्मी में 2 दिन के बाद पानी सूख जा रहा है। ये हमारा सागौन है, सागौन का पेड़। दूसरा अभी हम आपको, मैंगो ट्री भी है मेरे पास, ये फ्रूटिंग में आ रहे हैं। नेनुआ बोलते हैं इसको, घेवड़ा हमारे एरिया में बोलते हैं। दूसरा ये मेरा आम का पौधा, देखिए आम का पौधा है मेरा। अरे मेरा लिप्टस कम से कम 10 साल का हुआ है, वो लगता है 10 साल पुराना लिप्टस। ये हमारा छोटे से गार्डन में एक लौकी भी है। लौकी तो फरी है पहले, लेकिन अभी फिर अभी दूसरा आम बड़ा, इसमें का मेन तना काट के फेंक दिया, और ये ब्रांच तना निकला हुआ है जो अभी विकास कर रहा है। तीसरा ये भी एक आम का पौधा है, 1 2
दूसरा आम का पौधा, अभी हमारा तीसरा आम का पौधा आएगा जो बहुत ही बढ़िया फल दिया है, यानी फ्रूटिंग में है। अभी जस्ट हम उसको तोड़ेंगे, दो चार धोने के बाद, तोड़ने के बाद पकाएंगे, कुछ केमिकल डाल के पकाएंगे, क्योंकि ऐसे तो जल्दी पकेगा नहीं। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ आम का कितना बेहतरीन फल है। इस साल तो ज़्यादा फरा नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा फल आया है, मीडियम क्लास का मैंगो है। देखिए यहाँ पे दो है, तीन है, यहाँ पे फोर मैंगो, इसमें ज़्यादा नहीं, कम से कम 50 मैंगो आए थे, जो उसमें थोड़ा सा मैंगो बच्चे लोगों ने तोड़ दिया है। देखिए इसमें चार है और 50 आए थे, जिसमें लगभग 35 तक बचे हुए हैं। इनसाइड है मैंगो, छुपा हुआ है। छुपा हुआ मैंगो, दूसरा इसमें सिक्स मैंगो है, सिक्स क्या देखे, मस्त मैंगो है। ये देखिए हमारा, ये सिक्स मैंगो है, ये टू है, बहुत ही अच्छा मैंगो आया हुआ फरा है। पिछले साल बहुत ही अच्छा फल दिया था, लेकिन इस साल थोड़ा 54 मैंगो ही आए, 50 में 30-40 बचे हुए हैं। ये मेरा घर है, लगभग 7-8 पौधे हैं, मैंगो ट्री, सागौन, लिप्टस आदि पौधे हैं, वेजिटेबल पौधे भी साथ में हमने लगा दिए हैं द्वार पे, थोड़ा सा साइड में नल के बगल में, ताकि पानी भी यूज होता रहे और हमारा थोड़ा सब्जी उब्जी मिलता भी रहे। ये देखिए इसमें ये फ्लावर्स आए हुए हैं, रेड फ्लू और रेड, या रेड ही कलर है। दूसरा है गुलाब, गुलाब नहीं, गेंदा का पौधा है जो फूल आ रहा है, लगभग कंटिन्यू फूल दे रहा है ये लोग। इसमें से डाल कट करके मैंने इधर एक लगा दिया था। इसमें डाल को काट करके, इसमें से ये पौधे मेन शाखा से काट के लगा के इसमें मैंने लगा दिया, ये पकड़ लिया। इधर भी एक पौधा लगाया था, नहीं पता नहीं यहाँ पे कैसे ये सूख गया, कुछ समझ में नहीं आता क्यों यहाँ पे सूख गया। और वो पौधा हमारा जिंदा है, लेकिन यहाँ पे लगभग निर्जीव हो चुका है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। और यही मेरा छोटा सा गार्डन है दोस्तों, देखिए कि कैसा फ्रूट आ रहे हैं। इसमें बहुत ही पानी चल रहा है, हम लोग दो दिन लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन पानी चला रहे हैं, तब तो ये थोड़ा बहुत फ्रूट आ रहे हैं, नहीं तो फ्रूट नहीं आते थे, एक दिन के बाद सूख जा रहे। इतना गर्मी पड़ रही है, कब से 40-45 डिग्री पड़ रहा है यहाँ पे टेम्परेचर। अभी देखिए कब तक बारिश आ रहा है दोस्तों। ये मेरा छोटा सा गार्डन की झलक, प्लेजर शेयर करें दोस्तों, हमारा चैनल पैन इज माई ग्रेट विलेज, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। यदि आप हमारे चैनल को ग्रो करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी।
यहाँ पे पिछले साल जस्ट 6 महीना पहले बाढ़ हुआ आया हुआ था। इतना बाढ़ था कि उसका हिसाब नहीं था, यहाँ तक पानी भर गया था। वीडियो मेरी लंबी हो रही है दोस्तों, पानी पूरा भर गया था। लगभग कार की पहिया डूब गई थी। कार तो उस टाइम नहीं था, अभी कार जस्ट आया हुआ है, कार अभी लाए हम। कार के टॉप लेवल तक पानी भर गया था। ओके दोस्तों, गुड बारिंग। अभी हमने करेला भी लगा दिया है थोड़ा बहुत, क्या घूमते घूमते थोड़ा सा अपना काम भी हो जाता है, टाइम पास भी हो जाता है। अभी दोस्तों प्लीज लाइक एंड शेयर, आल्सो सब्सक्राइब्स टू, थैंक यू, बाय।